वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज आसिफ नगर पे और माशाल्लाह यहाँ पर देसी बकरियों का छोटा सा एक कलेक्शन है। एक मालवा ब्रीड में एक फीमेल मेंढी है और एक हैदराबादी ब्रीड का एक बच्चा है। तो ये जो डिटेल्स है मैं बात करूँगा यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपके पास सबसे पहले ये एक नर बच्चा है जी। ये बकरा है ना? हाँ, बकरा है ना। और कितने महीने का होगा भाई? ये 4 महीने का है। 4 महीने का है और बहुत लगाव है देखिए। यानी पले हुए सारे जितने बकरियां मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ यहाँ पर। कंडीशन क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। क्या प्राइस है भाई? 3,500 इसका आस्किंग प्राइस है। और ये फिक्स है या कम होंगे? जी 3,500 इसका आस्किंग प्राइस है और ये फिक्स है। और नेक्स्ट में फिर आपके पास ये एक मालवा की फीमेल है। फीमेल है। और ये कितने महीने की होंगी? ये 6 मंथ्स की है। 6 मंथ्स की है। हाँ। लेकिन क्वालिटी अच्छी है देखिए, साइज में भी अच्छी है। लाइव आके चेक करिए, आप लोग आसिफ नगर पे हैं। इसका क्या प्राइस रख रहे हैं आप? 6,600। सभी प्राइजेस फिक्स रहेंगे ना? किसी में करेंगे आप? अगर कोई इंटरेस्ट है। चलिए स्लाइटली नेगोशिएबल भी कर देंगे भाई। नेक्स्ट में फिर यहाँ पर ये एक बकरी है और देसी, इसकी एक सिंग टूट गई थी। टूट गई जी, लेकिन अभी जख्म वगैरह कुछ भी नहीं है ना? नहीं है, जख्म नहीं है कुछ जी। एक गाबन है बकरी? दिखने में तो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन दिख रहा तो स्ट्रक्चर वैसी। अच्छा, यही बकरे के साथ है आपके पास? नहीं नहीं, नहीं। दूसरे बकरे। ठीक है, तो गाबन दिख रही है यहाँ पर, जिसको एक्सपीरियंस हो आप लोग लाइव आगे चेक करके लीजिए। क्या प्राइस रख रहे हैं भाई इसका? 7,500। पेट के कंडीशन से भी दिखे आ रही, लाइव आगे चेक करके लीजिए आप लोग। एक सिंग गई हुई है इसकी, यानी जड़ से नहीं गई। और ये भी स्लाइटली नेगेशियबल रहेगी। नेक्स्ट में फिर ये एक बकरी है भाई के पास और ये भी हेल्थी है, घर की पली हुई बकरी है। देखिए सबसे मेन ये दूध की बकरी है। कितना दूध आ रहा भाई इसमें? सुबह आधा लीटर, शाम आधा लीटर। सुबह आधा लीटर और शाम आधा लीटर। ये देखिए थन वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे है इसके साइज में। यानी 1 लीटर दूध की बकरी है। और इसका क्या प्राइस रख रहे हैं आप? 8,000 आसिंग प्राइस है जी। और ये भी नेगोशिएबल करेंगे? चलिए ये भी कम हो जाएंगे। सिंग बहुत खूबसूरत है इसके और बहुत लंबे सिंग है। कितने दांत पे होंगी ये भी? आइडिया नहीं है उसका। अच्छा, नहीं चेक करिए आप। ठीक है, लाइव आइए आप लोग, आके चेक करके लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर एक हैदराबादी बकरा है, छोड़ दे इसको। कितने कान है भाई इसके? 16 इंच लंबा है और 7 इंच चौड़ा है। माशाल्लाह, जैसा मैं फीमेल बतलाया था, मालवा की बहुत एक्टिव है देखिए। और ये भी पली हुई है घर पे। इसका पंच फेस है, ये जो नासी बकरा है जेट नासी कलर में है, वाइट आइस है। 16 इंच लंबा है और चौड़ान 7 इंच है। अभी दो दांत पे है। दो दांत कंप्लीट करेंगे 8 दिन में। अच्छा, दो दांत मतलब लगा दिया तो सही ना? लगा दिया, जस्ट फ्रेश के हिसाब में है। बहुत एक्टिव है और किसी को अगर ब्रीडर मेल भी चाहिए तो ले सकते हैं आप। कहीं पर भी रिंकल नहीं है इसके कान में, खुले कान है बिल्कुल। पंच भी बहुत अच्छा है। क्या इसका आस्किंग प्राइस रख रहे हैं भाई? 32,000 इसका आस्किंग प्राइस है। वाइट आइस में भी है और ये भी कम करेंगे आप? कर देंगे इसमें। चलिए इंशाल्लाह ये भी प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा। आसिफ नगर में आपका लैंडमार्क क्या है भाई? आसिफ नगर, साबिर नगर, नियर रॉयल सी होटल। नियर रॉयल सी होटल। अगर वहाँ पर कोई आके आपको कॉल करे तो वहाँ से पिक कर लेंगे आप। या फिर आप लोग डायरेक्टली कॉल करें तो आपको लोकेशन भी भिजवा देंगे व्हाट्सएप पे। लाइव आइए, आके चेक करके देख के लीजिए। इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताता रहूँगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।